हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पीछे हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया था आपको याद होगा और नाइट्रोजन साइकिल का मतलब है ये हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल की तरह इसको देखते हैं किसी भी एलिमेंट uh, का मिनरल एलिमेंट जो प्लांट के लिए एसेंशियल है इसका साइकिलिक फ्लो इन्वायरमेंट में होता रहता है फ्रॉम दी सोइल टू द

डीनाइट्रिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो नाइट्रोजन के जो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं इसमें से नाइट्रोजन का रिलीज़ होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है और एनरबिक कंडीशन में फॉर एग्जांपल वाटर लॉग्ड एरिया या कि ऑक्सीजन डेपलिशन अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कहीं कम है तो ऐसे कंडीशन में सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज नाइट्रेट एंड अदर ऑक्सीडाइज्ड आयंस एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन और इस प्रोसेस में नाइट्रेट का रिडक्शन होता है टू तो गैसियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ आप देख रहे हो कि के एक केमिकल इक्वेशन के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि टू एन ओ थ्री इसका कन्वर्सन हो रहा है टू एन ओ टू में यह टू एन ओ टू वापस टू एन ओ में टू एन ओ फिर एन टू ओ में और एन टू ओ से वापस एन टू में कन्वर्सन <coughs> यह डी नाइट्रिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है और वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से अलग अलग स्टेप्स जिस स्टेप्स से नाइट्रेट जो है वह एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए बायोलॉजिकल फिक्सेशन कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन बाई रेडिएशन टू फॉर्म मोलिकुलर नाइट्रोजन यानी सोलर रेडिएशन जो है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है डी नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल नॉट ओनली डेप्लीट द सोइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, बट आल्सो काउ एसिडिफिकेशन व्हिच इज इक्वली हार्मफुल टू सोल्यूबलाइजेशन ऑफ हार्मफुल मेटल्स इसके आगे हम लोग नाइट्रेट एसिमिलेशन की बात करें नाइट्रेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट्स इट 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 कैन एक्यूमुलेट इन द सेल सैप ऑफ सेवरल प्लांट एंड टेक पार्ट इन प्रोड्यूसिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल हालांकि यह प्लांट के द्वारा यूज किया नहीं जा पाता है इट इज द फर्स्ट Uh, reduced. It is first.